रुपड़ी शहर के कोऑपरेटिव बैंक के पास स्थित रोड के किनारे पर वाहन रिपेयरिंग की एक दुकान में रात्रि के समय अचानक आग लगी, जिसकी वजह से दुरुस्ती के लिए आए हुए दो मोटरसाइकिल तथा दुकान के स्पेयर पार्ट तथा अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिसके कारण दुकान के मालिक योगेश्वर कोलते का तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए के आसपास का नुकसान होने की बात कही जा रही है। योगेश्वर कोलते यह बेरोजगार युवक ब्रह्मपुरी के कोऑपरेटिव बैंक के पास टू व्हीलर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग व स्पेयर पार्ट आदि का दुकान लगाया था और तकरीबन 10 वर्षों से इस स्थान पर वह कार्य कर रहा था, मगर अचानक आग लगने से उसका काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ। जब तक आग बुझाने के लिए अग्निशामक दल वहाँ पर पहुँच गया, मगर तब तक दुकान में मौजूद सामान लगभग जलकर खाक हुआ। योगेश्वर की दुकान में अचानक आग लगने से योगेश्वर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ पड़ा है और उसके नुकसान भरपाई की आर्थिक मदद करने की मांग की जा रही है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर गुजर पवार की रिपोर्ट।